नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सूरज अग्रवाल। आप देख रहे हैं आपका प्यारा यूट्यूब चैनल गार्डनिंग इज माई पैसन का हिंदी भाषण। दोस्तों, मिलीबग का प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा है। गुड़हल हो, स्थल कमल हो, या फिर और भी बहुत सारे पपीता हो, बहुत सारे फल में ये गुड़हल का ये जो मिलीबग का प्रॉब्लम है, ये चिपचिपे कीड़े, जो सफ़ेद चिपचिपे कीड़े होते हैं, ये बहुत ज़्यादा। ये देखिए इसका ये क्या नुकसान है, आप देखिए पूरा लगा हुआ है। और इसको कंट्रोल करना बहुत मस्ट है। अगर आपके पास केमिकल है तो थायोमिथक्साम या फिर एक्ट्रा 1 ग्राम पर लीटर देकर आप इसको स्प्रे करने से 3 बार 5 दिन बाद 3 बार स्प्रे करने से आपका कंट्रोल हो सकता है। लेकिन बहुत लोग केमिकल नहीं देना चाहते या फिर केमिकल अवेलेबल नहीं है, तो मैं आपको घरेलू चीज़ भी बताता हूँ। एक मेडिका है, और इसका जो है ये 100% ऑर्गेनिक है। इसका केमिकल दिखाता हूँ, इसमें कोकोनट है, नीम है, और जो सीताफल का एक्स्ट्रैक्ट है, सीताफल का जो सीड है उस सीड का एक्स्ट्रैक्ट है, और इसी से ये मिलीबग पूरा कंट्रोल हो जाएगा। 100% ऑर्गेनिक है। उसके साथ एक चीज़ मैं और मिलाना चाहता हूँ, ये है कर्पूर। कर्पूर की इस तरह की डलिया आती है, इसको आप पिसाई कर लीजिए। पिसाई कर लीजिए, प्रेशर देने से इस तरह का दाना बन जाएगा इसका, या फिर दाना भी मिलता है कर्पूर। ये कर्पूर आपके घर में, हर कोई के घर में होता है, पूजा में भी लगता है कर्पूर। तो ये आप लेना है, तो मैं इसका पिसाई कर लिया हूँ। एक जो पैकेट है इसका मैं पिसाई कर लिया हूँ, और इसको मैं ले लेता हूँ, इसमें डाल देता हूँ। ये देखिए पाउडर डाल दिया हूँ मैं। ये देखिए, ये जो दाना वाला था, ये टैबलेट वाला था, मैं इसमें डाल दिया हूँ। देखिए ये हमने लिया है। इसके बाद ये पैकेट के जो शैम्पू है, ये जो है लाइस मारने के लिए। ये जो जुएँ होती है, जुएँ को मारने के लिए ये यूज होता है। ये आपको कोई भी, आपको स्टेशनरी शॉप में या फिर कोई ग्रोसरी शॉप में मिल जाएगा। और इसको हम पानी में, करीब 1 लीटर पानी में इसको मैं घोल लेता हूँ। और इसको घोल के इसको अच्छी तरह मिक्स कर लीजिए, क्योंकि इसलिए मिक्स करना ज़रूरी है। जब तक ये जो कर्पूर है ये घुलेगा नहीं ठीक से, तब तक नहीं तो क्या होगा, आपका जो स्प्रेयर का जो नोजल है, नोजल ब्लॉक हो जाएगा। इसको अच्छी तरह से घोलना बहुत ज़रूरी है। और पूरे जो नीचे का जो दाना है ये आप नहीं भरिए, इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लीजिए। दोस्तों, ये हमने भर लिया है। इसको आपको 3 दिन या 4 दिन बाद 2 बार स्प्रे करना है। और ये दिखाता हूँ मैं, यहाँ से लेकर शुरू करके यहाँ से लेकर यहाँ तक नीचे तक, देखिए नीचे तक मिलीबग का अटैक हो गया। ये पूरा पौधा, ये देखिए पत्ते सारे पीले पड़ गए हैं। और इसको आपको कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है, तो मैं आपको स्प्रे करके दिखाता हूँ। ये शैम्पू जब मिलाएंगे आप अच्छी तरह से, नहीं तो जैम हो जाएगा ये। दोस्तों, ये करने के बाद आप देखिए, ये मैं लकड़ी से दिखाता हूँ आपको, ये ऐसे करके हटा दीजिए। ये देखिए पूरा आपका साफ हो जाएगा। हो सकता है तो ये कपड़ा लेके आप अच्छी तरह से साफ कर दें पूरा, बिल्कुल इस तरह से देखिए ये बिल्कुल साफ हो जाएगा। ये देखिए बिल्कुल। और एक कल या परसों और एक बार कर दीजिए, बिल्कुल आपका ये बिल्कुल साफ हो जाएगा। ये देखिए बिल्कुल साफ हो जा रहा है। और इस तरह से आप कंप्लीट कर देंगे तो पूरा जो है आपका गुड़हल जो है पौधा बिल्कुल बच जाएगा। ये इस तरह का मैंने दिखाया आपको, और थोड़ा सा मैं साफ करके दिखाता हूँ आपको। और बिल्कुल देखिए, ये आप 3 दिन बाद फिर एक बार स्प्रे करिए, और इसका कमाल देखिए। ये जो मैंने आपको सॉल्यूशन बताया, ये बहुत आसान सॉल्यूशन है, और पूरे पौधे में आप लगा सकते हैं। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल में नया है तो सब्सक्राइब करें। वीडियो को देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। ये देखिए दोस्तों।